और ये जमीन मालक है ये, और ये भी जमीन मालक है। और मेरे को क्या इनका उम्र होने की वजह से देख रेख करने के लिए मेरे को जीपे बोल के इन्होंने नहीं मांगा। क्या बोल रहे हैं आपका ये जो सरकार लाखी जो है तो ये डाल रही है, मतलब कुछ भी हमारे पिताजी को ये 40-45 पिताजी को ये कुल में जमीन मिली थी। बाद में ये पिताजी ने हमारे कुछ 10 एकड़ कुछ तो बेचे थे। बेचने के बाद में उन्होंने कैसे रजिस्टर करे कैसे नहीं ये हमको मालूम नहीं जी। अब हमारा ये कहना है कि भाई जो अपनी कोर्ट के अंदर जो निर्णय होगा जो मान्य होगा वो हमारे को समझो कोर्ट के आदेश पे, अगर कोर्ट ने अगर बोल दिया नहीं होगा हम छोड़ देंगे, हमारे को इनसे वाद नहीं करने का। और दूसरी बात हमारे को अगर मिल गई तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे, वैसे भी हमारे पास 10-11 घंटे समझो है। यहाँ पे ये जो पाइप लाके डाले तो आपकी बिना इजाजत लाके डाले? हाँ बिना इजाजत लाके डाले उन्होंने। किसने लाके डाले? वो जिला पर लाके डाल दिए वो कार्ड साहब ने। खेड़कर अच्छा एक खेड़कर डॉक्टर खेड़कर इन्होंने डाले, मैं जीपे होल्डर है इनका। ओके अच्छा आपने इनको जीपीए करके दिए हुआ है? जीपीए बोले तो इनको करके दिए थे, भाई को करके दिए थे, भाई ने फिर इनको करके इनको लिए ऐसा। ओके अभी क्या बोलना है सरकार से प्रशासन से आप? हमको प्रशासन से यही कहना है कि हमारे को जो अगर जो हमारी होती है तो हमको मिले या उनकी होती है तो उनको दो, उनके पेपर दे। पिताजी ने कौन से पेपर दिए, कैसे रजिस्टर करे, क्या क्या करे उन्होंने। अभी इनके ऊपर केस वगैरह किया जा रहा है तो आप साथ दे रहे हैं, इनका साथ है? देखिए ना साथ क्यों नहीं देंगे। अभी एडिशन ये है क्या इनके पिताजी ने 10 एकड़ ज़मीन बेचे थे उसका रजिस्ट्री का पेज नंबर 3 तो चलते चलते बता दो। पेज नंबर 3 ये चेंज किया गया और 10 एकड़ को 20 एकड़ करा गया और उसमें जो परवानगी लेना पड़ती कुल के ज़मीन को तो वो कुल के ज़मीन की परवानगी भी जो है तो पहले खरीदी करी गई और बाद में परवानगी ली गई। हाँ अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो ज़मीन है ये कहाँ तक है? ये ज़मीन आगे नाले तक है। अच्छा। और ये जो है तो आगे जो है तो ईटखेड़े का बॉर्डर आता है, ईटखेड़ा शिवाता। अंदाजन कितने करें? ये हमारी जो ज़मीन जो है तो अभी 10 एकड़ है, 10 एकड़ 11 घंटे हमारे पोजीशन में है और हमारा इस पे 40-50 साल से हमारी कब्जे में है, हमारे पास है। और अब ये लोग जो है तो हमारे को जो है तो ये बलजबरी से आप पेपर वगैरह बता रहे थे तो उसमें ये बता रहे थे कि इन्होंने ज़मीन बढ़ा कर बता दी, इसके अंदर ज़मीन बढ़ा दी। हाँ वो क्या है पुराने का? वो जो है तो इन्होंने क्या किया पेज नंबर 3 ये चेंज किए और उसमें पेज नंबर 3 में 10 एकड़ बेची हुई है ऐसी रजिस्ट्री हुई थी तो इन्होंने जो है तो 20 एकड़ उसको करे वो पेज चेंज किए और हर पेज पे जो है तो रजिस्ट्री के हर पेज पे लियून घेनार व लियून देनार इनके सही है, खाली वो पेज पे ही सही नहीं है जो पेज पे पूरी रजिस्ट्री की हिस्ट्री है वो पेज पे ही सही नहीं है किसकी लियून देनार की लियून घेनार की। हाँ इसमें जो है तो पुलिस प्रशासन जो है तो हमारे को धमका कर ये कर यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ रही और हमको धमका रहे तुमको अंदर डाल देंगे ये करेंगे आप इनको पाइप डालन दो, तो पुलिस प्रशासन का ये सिविल मैटर होते हुए पुलिस प्रशासन का ये सिविल मैटर में कोई हस्तक्षेप का संबंध ही नहीं आता, ये महसूल विभाग से ये है। मैं गया था साहब मेरे को मिले नहीं, साहब कहीं बाहर गए हुए थे कुछ काम से, लेकिन मैंने जो है तो सीपी साहब को भी तकरार दिया हूँ वहाँ जाके ऑफिस में सीपी साहब के, जब मेरे यहाँ मेरी तकरार की यहाँ दखल नहीं ली गई, मेरी तकरार की दखल नहीं ली गई। मैंने 16 तारीख को जब ये पाइप डाल रहे थे तब मैंने पहले जाके पुलिस स्टेशन सातारा में गिरी साहब के पास तकरार दिया और तकरार देने के बाद में मैं यहाँ आया इनको रोकने के लिए कि आप डालो मत, मैंने तकरार दिया तो मेरे को धमकाए आप पुलिस स्टेशन चलो, मतलब चलो पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस स्टेशन चलो बोल रहे तो फिर बोलते यहाँ रुको साहब यहीं चाह रहे सबको यहीं बुला के लेते हम। तो फिर उसमें उन्होंने क्या किए मेरी तकरार की दखल नहीं लेते हुए
मेरी तकरार की दखल नहीं लेते हुए मेरे पे गुनाह दाखिल करें। 18 तारीख को मैंने 16 तारीख को तकरार किया, मेरी तकरार की कोई दखल नहीं ली और मेरे पे गुनाह दाखिल किए। ऐसा पुलिस प्रशासन जो पे हमारे पे अन्याय कर रहा, हाँ, और ये जो है तो हमारा ये बोर्ड तोड़े हमारे, हाँ, ये जो है तो ये उस्मान अकबर देशमुख के नाम का है, ये इन्होंने ये खेड़का सम, हाँ, पाइप डालते बोले इनके जेसीबी से तोड़े। ये इधर बोर्ड था, आपको बताता, उधर चलो आप, वो तोड़। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि किसी की खासगी जमीन पे सरकारी पाइप बिना इजाजत कैसे डाल नहीं सकते। हमारी कोई परमिशन नहीं, हमारे से कोई पूछा नहीं कि नहीं, कुछ नहीं, और हमारे बगैर इजाजत इन्होंने पाइप डाले, और ये पुलिस प्रशासन की मदद से। आपको कुछ किराया वगैरह दे रहे होंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो, यहाँ बोर्ड था हमारा, ये उन्होंने दबा दिए, वो बोर्ड उधर लूट दिए, और ये हमारे ये सीसीटीवी के वायर वगैरह सब तोड़े, सब तोड़े, हाँ, सीसीटीवी तो ये सब तोड़े। यहाँ बोर्ड था तो इन्होंने ये दबा दिए नीचे, इसके ऊपर पाइप डाले, वो बोर्ड टूटा हुआ जो है तो उधर फेंके। हाँ, अरे देखो, ये सीसीटीवी के केबल वगैरह पूरा तोड़े इन्होंने हमारे। हाँ, अच्छा, अगर ऐसा पूछा जाए मार्केट के हिसाब से अभी ज़मीन की वैल्यू कितनी है, क्या बता सकते हैं? ज़मीन की वैल्यू अभी वो वैल्यूशन निकाल के जो जितना भी होता है रफ्ता सब उसी का होता है ना कि भाई ज़मीन की वैल्यू अभी इसकी वैल्यू करोड़ों में है। ओके, करोड़ों में, इसलिए तो ये पूरा चल रहा है इनका ज़मीन हड़पने का। ये हमारा रूम है, ये क्या लिखा हुआ है जरा वो पढ़ के बताइए। उस्मान या जमीनी चे मालक, वो कब्जेदार अकबर उस्मान देशमुख, वो इतर ही आए। लेकिन सर परेशानी क्या आ रही जब हर चीज़ आपके नाम पर है, सब रजिस्ट्री वगैरह आपके जो मालक है, मतलब आप तो जीपी होल्डर है, उनके नाम पे है, तो फिर तकलीफ परेशानी? तकलीफ बोले तो ये पुलिस प्रशासन की मदद लेकर हमको धमका कर हमारे ऊपर गुने दाखिल करके ये जो है तो यहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा लिया जा रहा है हमारे ज़मीन पे पुलिस प्रशासन के मदद से। उसमें सातारा पुलिस स्टेशन जो है तो पूरा उनको मदद कर रहा, उनका जो भी लेना देना हुआ है वो हिसाब से उनको मदद कर रहा, लेकिन उनको कोई आदेश नहीं रहते हुए हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती आकर के पाइप डालना, ये गुनाह है। ये हमारी विनंती है, क्या इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके इनको सस्पेंड किया जाए। एक आखिरी सवाल है मेरा, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, हाँ, विभाग आयुक्त, हाँ, ये तीनों से आपकी क्या अपील है, और आपकी अगर नई सुनवाई होती है, मतलब आपका नहीं सुना जाता है, तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? मेरा अगर कभी, मैं तो अभी देखो कलेक्टर साहब को भी पत्र देने वाला हूँ, विभागीय आयुक्त को भी पत्र देने वाला हूँ, और मैं उनसे गुजारिश करने वाला हूँ कि साहब हमको न्याय दो। ये नीचे के जो है तो पुलिस स्टेशन जो है इनका कुछ हस्तक्षेप नहीं रहते हुए सिविल मैटर में ये हमको धमका कर पड़ोसियों को हमारे ज़मीन पे पाइप डालने लगा रहे, पुलिस प्रशासन ये आके हमारे पे झूठे गुने दाखिल कर रहा। मेरा बस यही ही उनसे गुजारिश है कि शेतकरियों को बचाने की आप कोशिश करो, आज शेतकरी बहुत परेशान है। ये ठीक है, आपका पूरा नाम, और मैं अभी पॉलिटिशियन का इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पुलिस प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, कलेक्टर से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप बताना चाहते नहीं, मेरा तो ये कहना है, कोई पॉलिटिशियन किसी नेता से मुलाकात की आपने? की नहीं, मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, मैं खाली जो है तो मेरा जो तोड़फोड़ हुआ वो हिसाब से मैं जो है तो पुलिस स्टेशन गया, मेरा हमारा नाम फलक का बोल्ट तोड़ा गया, सीसीटीवी तोड़ा गया, हमारे लाइट के केबल तोड़े गए। औरंगाबाद के जो नए खासदार बने हैं संदीपान भूमरे, उनसे कुछ मदद की अपील या उम्मीद हमारे चैनल के? अब वो तो अपने औरंगाबाद के खासदार हैं, उनसे तो मदद तो हमको होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद रखते हम। ओके सर, ये एरिया का नाम बता दीजिए। ये सातारा परिसर गट नंबर 20 सर्वे नंबर 15। हाँ, पूरा नाम जावेद नूरखा पठान। जमीन का और अभी कोर्ट में क्या स्टेटस है जमीन? अभी साहब हमने इनके खिलाफ, जो जिला मैडम के खिलाफ हमने 2-3 बार कंप्लेंट किया है कोर्ट में नहीं, अपनी पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के बाद भी हमारा कोई हमारे एक्शन नहीं लिया उन्होंने पुलिस ने। लेकिन
अभी 17 तारीख को ये लोग ने पाइप डाले, ये लोगों ने उन्होंने वहां अड़तला किया, तो तुरंत पुलिस वाले ने उसको बुला के एक्शन लिया, क्योंकि हमने पहले कंप्लेंट दिया है। पहले कंप्लेंट देने के बाद हमारे हमारे तरफ से उन्होंने एक्शन लेना था पहले, तो लिया नहीं। तो उनके उनके कहने से तो वो बोले भाई हमारे ऊपर से दबाव है कोई, और हम बोले भाई किसका दबाव है बोलो, कौन है तुम्हारे को बोलने वाले? क्योंकि सिविल केस में पुलिस का यहाँ आना गलत है, सिविल मैटर में पुलिस यहाँ आ भी नहीं सकती, तो किसके कहने से आ गए? तो हमारा कहना है कि भाई ये जो लोग है, ये शेजारी है जिला मैडम, ये खेड़कर, राजू खेड़कर, ये जो लोग है ये हमारे इस पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताबा लेने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पे। कितने जमीन है? अभी ये सब मिलके 24 एकड़ जमीन है, ये ओडिलो पार्जित है, वो कुल कायदे से इनको मिली है, हैदराबाद कुल टेनेंसी एक्ट से तरफ से इनको मिली है, और मिलने के बाद ये अभी 30-40 साल से कब्जा है उनका। तो पुलिस ने यहाँ आके चौकसी करना था कि भाई खरच सही कब्जा है क्या नहीं इनका, अगर कब्जा है क्या तो जब यहाँ तक यहाँ आएंगे तभी अपने को मालूम गिरेगा ना। तो पुलिस कोई वहां के बैठे बैठे सिर्फ उनके खिलाफ उनके बाजू ले रहे, हमारी बाजू कोई नहीं ले रहा, क्योंकि गरीब लोग है, हम गरीब लोग है, हमारे को यहाँ पैसा लगाने के लिए कुछ नहीं है। ये सब भाई ये जीपीए होल्डर है हमारे, एक जावेद नूरकान पठान साहब, ये तो भी कुछ तो भी भाई लगा के ये काम कर रहे हैं यहाँ, और बहुत साल से सीसीटीवी फुटेज हमने लगाई है, ये रूम है, यहाँ रूम है, वॉचमैन लगाया है उन्होंने, पहले भी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने फोड़ डाले है। क्या बोलते हो जमीन पर आके क्या धतिंग करते? वो धतिंग करते कि भाई ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारी जमीन हमने ले ली है, हमारा हमने अपने बैग सब रजिस्ट्री है, खरीदी खाता है, सब है। हमने बोला भाई ठीक है, लेकिन हमारा ताबा है ना, हमारा ताबा है, तुमने जो कागज क्या बनाए क्या नहीं हमारे को मालूम ही नहीं, उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो जो डॉक्यूमेंट होना था वो पुलिस ने पूरी इंक्वायरी करना था, हमारी भी इंक्वायरी करना था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने फिर उनके कागज पत्र देखे, हमारे कागज पत्र उनको मंगाए तो भाई दिया नहीं, अरे हमारे को तुमने मंगाई नहीं ना कागज पत्र पुलिस वाले ने, और तुम फिरियाद में लिखते कि फिरियाद में जवाब उसका लेते कि भाई कागज पत्र मिल गए या उनके मिल गए, और इनके इनको मंगा तो उन्होंने दिया नहीं, ऐसा हो ही भी नहीं है। लेकिन पहली बात कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो गई, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले ने यहाँ घटनास्थल पंचनामा करना था, भाई सही ताबा किसका है किसका नहीं, वो बोल रहे हमारा उधर का ताबा है इधर का है, अरे भाई तुम्हारा उधर ताबा है तो तुम्हारा उधर रहने दो ना, लेकिन ये जो तुम इधर पाइप डाल रहे हमारे इसमें आके ये गलत है ना, हमारी परमिशन ही नहीं लिए ना सब पूरा, और फिक्शन है, कंपाउंड पूरा है, जो हमारे पोजिशन में जो जमीन है ताबे में है पूरा कंपाउंड है ना, अभी ये दिख रहा है आपको सब कंपाउंड है करके पूरा, इधर ये सब पूरा जमीन के ऊपर कंपाउंड है, और ये कंपाउंड के अंदर तुम किसके कहने से घुस रहे और बोलते दबाव है, तो इसका सही मतलब है तुम राजकारणी लोग है, पैसे वाले लोग है, तुम्हारा जो भागवत करार साहब है और राज्य मंत्री थे वो उनका रिलेटिव है, सब नातेवाईक है, और उनके कहने से भी लोग ये यहाँ दबाव डाल रहे होंगे ऐसा हमारे को लगता है। क्या कहेंगे जावेद भाई, आप जीपीए होल्डर है, सब मैं गुजारिश करूंगा कि बस